हमारे डीओ साहब, हमारे नवीन भाई डीओ, राजगुरु साहब डीओ और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे योग गुरु कुरेशी साहब, महबूब भाई कुरेशी और मेरे सभी साथियों, सभी बड़ी लोगों, सभी बच्चों, सभी माओ, सबको मेरा सलाम, सबको नमस्कार। आज के प्रवचन में यहां हम सब लोगों की मेहनत के अंदर जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी है, जिसने सबसे ज्यादा भागदौड़ करी है, यहाँ के एमएलए श्री किशोर भाई जो आज यूएस है, वो आज हाजिर नहीं है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, इस बात की हम सभी लोग बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए खूब खूब हमें तालियां बजाते हैं। ये स्कूल को अस्थायी करने के लिए कलेक्टर श्री के पास मंजूरी लेने के लिए और इस जगह को बनाने के लिए यहाँ के एमएलए श्री का बहुत बड़ा योगदान है और स्थानीय कॉरपोरेटरों का भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी के अंदर लग के और हमारे समाज का विकास का काम के लिए सबने तहदिल से मेहनत करी है और मैं सभी लोगों का आज शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से उन लोगों के साथ शेयर करता हूं और इस खुशी में सभी लोग आज हमारे साथ हैं। माननीय मंत्री श्री साहब से एक आज मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं, हमारी ईद गई है, अभी ईद जाने के रमजान और ईद जाने के महीने भी नहीं बीते हुए और ये स्कूल का इतना अच्छा ओपनिंग हो गया। आज ये जुआपुरा का जो विकास का काम है और जुआपुरा के अंदर आज 5 लाख करीब करीब मुस्लिम बस्ती है और उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारा विकास का काम है और बहुत सारी चीजों की तकलीफें हैं। यहाँ रमजान के महीने में ट्रैफिक की समस्या अनगिनत रहती है और हम मंत्री साहब से यहाँ के जितने भी स्थानिक लोग हैं और इसमें सीनियर सिटीजन के लोग हैं, वो एक कागज साहब को देना चाहते हैं, उसके साथ मैं भी सहभागी हूँ और ये पूरे जुआपुरा के विकास के लिए है और सिर्फ जुआपुरा का जो विकास है वो देखते हुए हम लोग एक नई ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे भरोसा है आप सभी लोगों का साथ रहेगा, सहकार रहेगा और मैं इस चीज के पीछे थोड़ी मजदूरी करता रहता हूं और मजदूरी करके जुआपुरा की दुख तकलीफ को समझते हुए ये बात मेरा पहुंचाने का काम है, उसकी फिक्र का काम है और उसको आगे लगाने का काम है। तो आप उस चीज के लिए सभी लोग मुझे भी दुआ करें, मैं इतनी ही बात रखता हूं और नादर भाई कैमरा रखना, वायर में बूम आत्मा रखना, पेरी જુવાપુરાના સિનિયર સિટીઝન ના બધા માણસો આવી જાઓ।